ये सीरीज अब तक की सबसे महंगी सीरीज होने वाली है। जितना पैसा इसके ऊपर लगाया गया है और आने वाले टाइम में इसके ऊपर लगाया जाएगा, जो इस सीरीज को मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज बनाएगा, यानी कि नेटफ्लिक्स पर या फिर अमेजोन प्राइम पर, आप कहीं पर भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, उन पर इतनी महंगी सीरीज नहीं बनी है जितना इस सीरीज के ऊपर पैसा खर्च किया गया है। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले द लॉर्ड ऑफ रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर वेब सीरीज के बारे में। अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज किया गया, इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं, या फिर बी करेक्ट कि देखो जब तक ये वीडियो बना रहा हूं इसके सेकंड सीजन में 3 ही एपिसोड आए हैं और मैंने इसका फर्स्ट सीजन ही देखा है। अब मुझे ये हर हफ्ते एक एक एपिसोड देखना वैसे ही पसंद नहीं है। जब इसका सेकंड सीजन कंप्लीट हो जाएगा तब इसको उसके मतलब कंप्लीट करके एक अलग से वीडियो बनाकर वहां हम बात कर लेंगे। तो इसका फर्स्ट सीजन में हम बात करें तो उसमें 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास है। अब बात करते हैं इस सीरीज की कहानी क्या है। वैसे देखो इसकी कहानी जो है वो 2, 4 या 5 लाइनों में समझाना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने लिखने की कोशिश की कि मैं क्या बताऊं इसकी कहानी हमें क्या देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, उनका अलग अलग रोल है, उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी एक अलग कहानी भी चलती है, तो वो सारी चीजें थोड़ा एक तरीके से कुछ लाइनों के अंदर उनको इंक्लूड करना वो क्वाइट डिफिकल्ट है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो एक ऐसी दुनिया हमें दिखने को मिलती है जहां पर एल्फ जो इंसानों की तरीके से है लेकिन इंसान नहीं है, उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी उम्र इंसानों से काफी ज्यादा है, यानी सैकड़ों साल तक वो जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा बोने, ऑब्वियसली बोने तो कौन होते हैं वो आपको पता ही है, इसके अलावा इंसान भी पता ही है आपको कौन होते हैं, इसके अलावा हार्डफुट करके एक अलग से जाति दिखाई गई है, इनके एक अलग तरीके से अपने अपने राज्य चल रहे हैं, अपने अपने राज्य को एक बिना रोक टोक के सही से वो चला रहे हैं, और इन सब के अलावा एक अंधकार को पसंद करने वाले ऐसे जीव जिनका नाम ओर्क है वो भी हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास भी जमीन हो, अपना एक साम्राज्य बसाएं, वो धूप में डरते हैं इसलिए उनको अंधकार पसंद है। अब यहां पर जो इनका जो ओर्क है इनका एक मालिक हुआ करता था जिसको सबने मिलकर हरा दिया था, वो तो मारा गया लेकिन अब क्या हो रहा है कि ओर्क वापस आ रहे हैं, अब इनको कैसे हराया जाएगा क्योंकि अब ये पावरफुल है, काला जादू ये यूज करते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक जो इनको बनाता है। अब जो एल्फ है, इंसान है, इन सबको काफी ज्यादा परेशानी है कि ओर्क वापस आ जाएंगे तो इनकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, इनको गुलाम बना के रखेंगे, तो अब ये इनसे कैसे छुटकारा पाते हैं, इनके सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे ये निपटते हैं। इसके अलावा और भी काफी चीजें हमें देखने को मिलने वाली है, वो क्या क्या देखने को मिलेंगी जब आप ये सीरीज देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये होगी कहानी की चर्चा, अब बात करते हैं कि सीरीज के अंदर क्या अच्छा है जो इस सीरीज को देखने लायक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बढ़िया जो इस सीरीज की प्लस पॉइंट या सबसे जबरदस्त पॉइंट मैं कहूंगा वो ये कि इसके अंदर विजुअल ट्रीटमेंट काफी ज्यादा बढ़िया है। जो सीनरी एक तरीके से हमें इसके अंदर देखने को मिलती है वो इतने ज्यादा सुंदर है, या फिर जो आइलैंड हमें देखने को मिल रहे हैं जो इतनी कलरफुल ये चीजें हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है, इतने बढ़िया VFX CGI जो यूज किए गए हैं इसके अंदर, ऑब्वियसली इतना ज्यादा रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ है तो उसमें तो कोई कमी आने दी नहीं इन्होंने, तो विजुअली या देखने में ये सीरीज काफी ज्यादा बढ़िया है। सीरीज के अंदर 8 एपिसोड है और जिनके अंदर धैर्य कम है, संयम कम है, तो आपको लगेगा कि यार ये फर्स्ट एपिसोड से ही हमें एंटरटेनमेंट हमें मिलना स्टार्ट हो, तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर संयम होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, इसका फर्स्ट सीजन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड थोड़ा बहुत आपको एक तरीके से परेशान कर सकते हैं, एक तरीके से आप थोड़ा बहुत उसके अंदर बोर हो सकते हो कि यार ये सब चीजें क्या चल रही है, तो आपको धैर्य रखना होगा। जब आप ये 3 एपिसोड इसके कंप्लीट कर लोगे तब आपको जो एक तरीके से समझो कि एंटरटेनमेंट मिलना स्टार्ट होगा, जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है, और एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट सीजन जो है वो कहीं ना कहीं कहानी को डेवलप करने में, उसका बेस बनाने में, कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में ये कहीं ना कहीं इसके अंदर ही चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर हैं, उनकी अपनी अपनी कहानी है, उनके बारे में दिखाना कहाँ कौन से आया है, कैसे उनकी उत्पत्ति हो रही है, मतलब कि उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें दिखाने में ये फर्स्ट सीजन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही फोकस किया गया है। और वैसे भी इसके अंदर 5 सीजन होने वाले हैं जितना मैंने पढ़ा है नेट के ऊपर, अमेजोन प्राइम ने इसका ठेका उठा रखा है, देखो भैया हमें 5 सीजन करने हैं, 5 सीजन तक मुझे इसके राइट चाहिए, अमेजोन प्राइम वीडियो ने ऐसा बोल रखा है, तो उनको 5 सीजन तक राइट मिले हुए हैं। अब सोचो 5 सीजन इसके आने हैं, कितने सारे एपिसोड हमारे सामने आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो फर्स्ट सीजन एक तरीके से कहानी को डेवलप करने में, बेस तैयार करने में वो उसके अंदर तो जाएगा ही जाएगा। जो कैरेक्टर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है, उनके ऊपर काफी फोकस किया गया है, उनकी काफी इंपॉर्टेंस हमें दिखाई गई है कि आने वाले टाइम में वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑब्वियसली एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी सही है इसके अंदर। अब इसमें जो फाइटिंग सीक्वेंस है कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं वो काफी बढ़िया मुझे लगे। सेट डिजाइन, मेकअप, ड्रेस ये काफी ज्यादा बढ़िया है, और जिस तरीके का एक लुक हमारे सामने आता है, जैसे ड्रेस आप इसके अंदर देखेंगे, कॉस्ट्यूम आप इसके अंदर देखेंगे, जो लड़ते हैं उस वक्त घुड़सवार हो गए, या फिर जो भी चीजें हमें उस लड़ाई के दौरान इसके अंदर देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब यहां पर मेहनत दिखती है कि मेकर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की है कि लोगों को ये चीज पसंद आए, और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जबरदस्त है, मतलब जो सीन एक्साइटमेंट होते हैं उसके अंदर फिर बैकग्राउंड म्यूजिक आता है वो
एक्साइटमेंट लेवल को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें, पसीना आ गया इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें करने में। अब बात करते हैं इस सीरीज में क्या कमियां हैं। देखो कमियों में सबसे बड़ी कमी तो आपको जो लगेगी वो है इसकी कहानी, बहुत कम, मतलब एक वीक स्टोरी है, वीक राइटिंग है, बहुत ज्यादा स्लो है। अब इवन मतलब मुझे मुश्किल है कि कुछ लोग जो है वो इस सीरीज को कंप्लीट कर पाए, मतलब हर एक के लिए तो नहीं कह सकता कि मैं हर कोई इस सीरीज को देख पाएगा, नहीं, क्योंकि जिस तरीके का इसका फर्स्ट एपिसोड हमारे सामने आता है, मुझे उस फर्स्ट एपिसोड को कंप्लीट करने में 2 दिन लग गए। मतलब इस तरीके की वो बोर करती है। जो एक राइटिंग है जिसके ऊपर फोकस किया जाना था, एक तरीके से दर्शक जो है इसके साथ कनेक्ट रहे, वो एक मतलब कमी लगती है कि राइटिंग में कोई दम नहीं है। अब केवल सीरीज के अंदर रुपया लगा दिया, तो क्या इस बेस पे इस सीरीज को देखना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा महंगी है, क्या इसके इसलिए इस सीरीज को देखना चाहिए? तो मुझे ये मुश्किल लगता है कि दर्शक जो है वो ऑडियंस जो है वो सिर्फ इसलिए इस सीरीज को देखे क्योंकि यार बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। नहीं, उनको एक स्टोरी बढ़िया चाहिए थी, फाइटिंग सीक्वेंस बढ़िया चाहिए थे। इसके अंदर जादू, मतलब काला जादू थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, लेकिन वो भी इतना इंप्रेसिव नहीं लगता है। फाइटिंग सीक्वेंस है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया मुझे नहीं लगे, ठीक है, एवरेज है, और स्टोरी तो एवरेज से भी नीचे मैं कह सकता हूं। अब सीरीज के अंदर हार्टफुट करके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, एक जाति दिखाई गई है। अब वो क्यों दिखाई है उसका कोई लॉजिक हमारे सामने नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत जो भी उसका इंपॉर्टेंस था यार, वो तो वैसे भी दिखा सकते थे ना, एक सिंगल एपिसोड के अंदर छोटा मोटा 5 मिनट में वो दिखा देते, वो खत्म हो जाती बात। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की उस कहानी को रबड़ के तरीके से उस वहां पर खींचा हार्टफुट को लेकर, वो यार मुझे तो लगता है कि यार वो वेस्ट ऑफ टाइम था। उसको मैंने स्किप करके इवन देखा है, मैंने उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि आ ही नहीं रहा था उनका कोई, मुझे महत्व भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ एक एपिसोड जैसे 8th एपिसोड हो गया जो लास्ट का एपिसोड है, या फिर 6th या 5th एपिसोड में कहूंगा कि वो ठीक है, मुझे सही लगे। 8th एपिसोड में जिस तरीके की एक नई पावर हमें देखने को मिलती है, जो रिंग्स हमारे सामने आती है, मतलब स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, आप सोचो कि स्पॉइलर मिल रहा है, जैसा इसका नाम है वो चीजें आप वैसे समझ जाओगे। तो वो 8th एपिसोड जो है वो मुझे ठीक लगा, 5th और 6th भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। बाकी जो एपिसोड है वो यार थोड़े असहनीय है, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई गलत चीज दिखाई है, लेकिन वो क्वाइट बोरिंग है यार। वहां पर उनके साथ बने रहना वो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है मेरे लिए। तो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5/10। अगर आप लोगों ने सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। अगर नहीं देखी है तो ऐसे जस्ट टाइम पास के लिए ऐसे बैठे हो यार, कुछ भी नहीं है देखने को, तो इसका 1 या 2 एपिसोड देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि यार आप 1 दिन के अंदर इस सीरीज को कंप्लीट कर पाओगे, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। 1 दिन के अंदर तो मैंने इसको कंप्लीट किया ही नहीं। जब इसके फर्स्ट एपिसोड को मैंने 2 दिन में देखा है, तो इसके 8वें एपिसोड को देखने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। अगर नहीं देखी है तो 1 टाइम कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।